किसान भाइयों नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह आपके अपने YouTube चैनल देसी खेती जुगाड़ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूँ। किसान भाइयों, दोनों चेहरे आपको देख रहे हैं, ये परिचित चेहरे हैं हमारे चैनल के, बहुत ही पसंदीदा चेहरे हैं, क्योंकि जो आपको राइट साइड में दिख रहे हैं हमारे अतुल जी हैं और हमारे आशीष जी हैं बाई साइड में। आप जो है सेब पैदा करते हैं और आप खादे पैदा करते हैं भाई, बनाते हैं, और आप एक दूसरे का कॉम्बिनेशन है। आज इनकी बातचीत को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, बीच में मेरे भी कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो आशीष जी, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे करना ये चाहूँगा कि अतुल जी ने जो आपको बायोफॉर्गेनिक का जो ये चार्ट हमको दिख रहा है, ये कंप्लीट आप ये बताइए थोड़ा सा, एक मिनट, तो ये बताइए सर कि बायोफॉर्गेनिक से सेब पे जो आप पहले करते थे और आज में क्या फर्क आया है इस सेब पे? सबसे पहले नमस्कार आप सबको। सर पहली बात तो मेरे चैनल पे आप दोनों का स्वागत है। आपका भी जी पे स्वागत जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। एक तो अतुल जी का मैं बहुत बड़ा थैंकफुल करना चाहता हूँ। लास्ट अभी हम लोग कुछ एक साल पहले हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था जी, और एक साल से ही हमने बायोफॉर्गेनिक्स के थोड़े बहुत हमने सैंपल्स भी मंगाए थे अतुल जी से। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये था कि हमारे हम लोग जो जितने किसान हैं, हम लोग ऑर्गेनिक खेती की तरफ हम लोग काफी प्रोत्साहन करना चाह रहे थे काफी टाइम से। तो आई थिंक जो इन्होंने प्रोडक्ट्स हमको दिए हैं, चाहे वो यू नो दानेदार हो, चाहे इनका जो पाउडर शेप में हो, चाहे इनका लिक्विड वाला हो, इसके रिजल्ट्स हमको आपको यकीन नहीं मानेंगे, काफी अच्छे रिजल्ट्स भी हमको मिले, और प्रोडक्शन और क्वालिटी दोनों में बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। और ये काफी अपने आप में काफी अच्छी बात है, बिकॉज ये सारे के सारे हमको रिजल्ट्स, उसके लिए पहले हमको केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने पड़ते थे जैसा आपको पता है, और उसका आजकल की मार्केट में वैसे ही सेल्फ लाइफ मतलब सेब की क्या रहती थी उसमें, उसमें शेल्फ लाइफ तो कम रहती थी, प्लस मार्केट भी एक तरह का हमको अच्छा बिहेव नहीं करता था, बिकॉज किन्नौर का जो बेस्ट पार्ट ये है कि हम लोग काफी अंतर इसको नेचुरली जब रासायनिक नहीं था, तो क्या आप उस पथ पे चलने के राह पे हैं? सर यही आइडिया है आई थिंक, और हम नॉट जस्ट इंडिविजुअली फार्मर, हम एज अ कंपनी हम लोग ऑर्गेनिक कृषि को काफी टाइम से हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज आई थिंक आने वाला फ्यूचर वही है। जिस तरह की बीमारियां देख रहे हैं, जिस तरह का आप खाने में आप लोग मिलावटें देख रहे हैं, सारा वही है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा केमिकल्स यूज करने लगे हैं। और किन्नौर का बेस्ट पार्ट यही था कि हम अभी तक भी हम बहुत ही कम केमिकल्स यूज करते हैं, और आई थिंक भाई अतुल सर और बायोफॉर्गेनिक्स की वजह से आई थिंक अब वो ऑलमोस्ट हम जीरो चाहते हैं कि हमारा जो भी प्रोडक्शन हो, नॉट जस्ट एप्पल्स, कल को आने वाले टाइम पे हम लोग काफी और चीजें, हमारी दालें होती हैं, हमारी सब्जियां होती है किन्नौर में। अच्छा, यहाँ दालें भी होती हैं? बिल्कुल, राजमा हमारे यहाँ का बहुत फेमस दाल है किन्नौर का। अच्छा। तो ये सारी चीजों के लिए आई थिंक जो हम लोग केमिकली बीच में थोड़ा बहुत यूज करते थे, तो हमने तो कम्प्लीटली चाह तो हम ये रहे कि कम्प्लीटली बंद हो जाए, उसी राह पे चल रहे हैं। और अतुल जी जैसे दो चार अगर हमको और भी अच्छे अच्छे लोग मिलते रहे, कंपनीज मिलते रहे, तो आई थिंक ये जो हमारे यहाँ ड्रीम था वो रियलिटी बनने जा रहा है। सर अतुल जी कुछ धमाका करने वाले हैं, कुछ इनकी जुबान से भी जान लें। बिल्कुल बिल्कुल अतुल जी, थैंक यू सभी भाइयों का देसी खेती जुगाड़ चैनल पे बहुत बहुत स्वागत भी है, धन्यवाद भी है कि हमें भाई इतनी आप रिस्पेक्ट करते हैं। देखो, इस पहल को आप अगर नहीं होते तो हम इस लेवल तक नहीं लेके आ सकते थे। बाकी आशीष जी, अविनाश जी, पूरी हिमाचल की टीम का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद भी है। और इस मुहिम में जब प्रकृति को बचाने की बात है, इंसानियत को बचाने की बात है, जमीन को बचाने की बात है, जलवायु को बचाने की बात है, हर जीव को बचाने की बात है, तो उस पहल में मैं एक छोटी सी कड़ी में एक छोटा सा हिस्सा हूँ, और आप लोगों के सहयोग से ही ये सारी चीज़ें हो पा रही हैं। नहीं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं था, इतनी हाइट पे आके भी आप इतना भाई, इतने संसाधन कम होने के बाद भी इतनी अच्छी सोच, ऊंची सोच रख रहे हैं भाई। हमारे वहाँ इतनी अच्छी ऊंची सोच कुछ लोगों की तो है, पर कुछ लोगों की नहीं है। यहाँ पे अधिकतर की है जो करना चाहते हैं, पर संसाधन कम है, वो संसाधन प्रोवाइड करने के लिए। अभी तक तो हम पाउडर भी, ग्रैनुलर भी, ह्यूमिक भी, बायोफॉर्मेनिक दे रहे थे, अब हम आपको न्यूट्रिशन भी, बैक्टीरिया भी, बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक नेचुरली बायो के हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप सभी किसानों को दें, इस धरती माता को बचाएं, हर जीव जंतु को बचाएं, ऐसी हमारा सोच है। भगवान उनके आशीर्वाद से, परमात्मा के आशीर्वाद से, आप लोगों से हम इस मुहिम में कामयाब होंगे,
और जेपी भाई जैसे जो संघर्षशील लोग हैं उनके आशीर्वाद से सहयोग से हम इस काम को कर रहे हैं। सर देखिए, मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि जो मेरे देशवासी हैं, जो मेरे किसान हैं, आशीष जी भैया हमारे जैसे हैं, छोटे भाई हैं, इन लोगों को एक सीढ़ी ऊपर चढ़ाना। एक सीढ़ी ऊपर चढ़ाए में आशीष जी अगर ऊपर चढ़ते हैं तो ये रासायनिक से जैविक पे आते हैं, और जो हमारे जो हम इस वीडियो को देखने वाले लोग हैं, पूरी देश भर के लोग हैं, उनका एक सीढ़ी चढ़ने का है कि आप रासायनिक से जैविक खाना शुरू कर दीजिए, जो आपकी अंदर की बीमारियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ा अहम सवाल ये है सर, आपने अपना रूपार्ट अदा किया, अब आशीष जी से ये सवाल है। सर आशीष जी, ये बताइए कि जैसे कि इस समय आपके पौधे जो 10-12 साल के हैं, उनकी यील्ड क्या होती है इस रासायनिक से और जैविक पे आने पे, क्या फर्क पड़ा है पैदावार पे या उसके प्रोडक्शन पे फर्क जो आया या नहीं आया, दोनों चीज बताइए। और सबसे बात सेल्फ लाइफ की बात है कि सेल्फ लाइफ क्या है इस समय। सर ये सिर्फ शेल्फ लाइफ नहीं, आई थिंक ओवरऑल जो एक क्वालिटी है, अब देखिए ना जो भी हम केमिकल डालते हैं, जैसे पता ही है कि अतुल जी भी इस बारे में बोलेंगे कि उसका हर एक का नेगेटिव इफेक्ट होते ही है जी, बिल्कुल होता है। अगर वो आपको कुछ दे रहा है तो वो आपसे काफी कुछ ले भी रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। अगर वो आपको थोड़ा सा क्वालिटी दे रहा है तो आपकी शेल्फ लाइफ ले रहा है आपसे, आपका मतलब आप सेब की सेल्फ लाइफ छोड़ दीजिए, इंडिविजुअल की सेल्फ लाइफ ले रहा है जी जी। तो आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें ये है कि जो हम लोग धीरे धीरे जो ऑर्गेनिकली हम जा रहे हैं, ये तो सर आप मानेंगे कि जैसे एक बहुत बड़ा धारणा थी यहाँ पे लोगों की, अगर आपने प्रोडक्शन बढ़ानी है, यील्ड बढ़ानी है तो आपको केमिकल खाद डालना पड़ेगा, जो कि हम देख रहे हैं लास्ट एक दो साल से बायो फार्मिंग यूज करने के लिए करने के बाद कि ये धारणा बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट हमको तो अभी एक दो साल में ये लग रहा है कि ऑर्गेनिकली ज्यादा यील्ड हो रही है। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। और नॉट जस्ट यील्ड सर, ओवरऑल जो क्वालिटी होती है, शेल्फ लाइफ जैसे आपने बोला था, और ओवरऑल क्वालिटी है, चाहे उसकी चमक है, चाहे क्योंकि अगर हम इसको ऑर्गेनिकली ट्रीट करेंगे तो ऑर्गेनिक तो वही है ना जो नेचुरल है जी। तो कहने का मतलब ये सर, नेचर प्लस ऑर्गेनिक दोनों का अगर मेल होता है, कॉम्बिनेशन बनता है, तो रिजल्ट अच्छा आएगा जी। इसके साथ साथ वो लोगों जो खाने वाले लोग हैं उनके लिए भी बहुत बेटर है, और हमारे लिए भी मार्केट में जब हम ऑर्गेनिक लेके जाते हैं तो मार्केट हमको बहुत अच्छा रेट भी देती है और अच्छी तरह ट्रीट भी करती है। अरे वाह, मतलब इज्जत भी पैसा भी, दोनों चीज, सम्मान पैसा दोनों एक साथ में। तो यहाँ किसान भाइयों आप समझिए कि आशीष जी ने बिल्कुल बहुत बारीक बात कही है, ये आपकी समझ में आनी चाहिए। आप थोड़ा सा सर ग्रेडिंग के बारे में इसके बताइए कि जब आपके पास, जैसा कि किसान भाई देख रहे हैं पूरा वीडियो में चल रहा है आपका, तो यहाँ पे आपकी एक तरीके से फैक्ट्री समझ लें कि यहाँ पे काफी लोग लेबर लगे हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ग्रेडिंग किस तरीके से होती है। इसीलिए मैं जैसे आपको हमने बता रहे थे कि मैं इंडिविजुअल लेवल पे हम खेती को करते हैं, बट एक तरह का हमने छोटा सा हमने भी एक ऑपरेशन शुरू किया था, काफी हद तक बाकी किसानों को एक अच्छा मार्केट दिया जाए, एक बड़ा फेयर और अच्छा मार्केट दिया जाए। उसी में सबसे पहले हमने पहल किया था 2019 से, हमने अपनी खुद की मशीन लगाई थी, कलर ग्रेडिंग मशीन, और एक यार्ड बनाया था। तो हाँ। हम यही चाह रहे हैं कि आसपास के लोगों को बाहर दूर जाने की जरूरत ना पड़े, हाँ। मेरे पास ही आते हैं वो लोग, हम लोग उनका सेब खरीदते भी हैं, उनको ग्रेडिंग करके भी देते हैं, और काफी हद तक एक वन स्टॉप फॉर ऑल बन गया। जो खरीदने वाले वो भी इधर आ रहे हैं, हाँ। और जो बेचने वाले किसान लोग वो भी हमारे पास ही आ रहे हैं जी, जी, तो जी। वो जो मंडी थी जो बहुत दूर थी किसान, हाँ, हाँ, हाँ। उनको चंडीगढ़ जाना पड़ता था, हाँ। शिमला जाना पड़ता था, हमको कहीं जाना नहीं पड़ता, वो घर के पास में आना पड़ता है जी। और वो एक और क्या इससे कोई रेट पे किसान के फर्क पड़ा है? बिल्कुल सर, क्या फर्क पड़ा है, फायदा हुआ है उनका या नुकसान हुआ? फायदा ही हुआ है, कॉम्पिटिशन जितना भी होता है, अब वही है कि जो चीजें वो घर के बाहर जाके हम बेचते थे तो वहां पे तो हमको जो आरती जो बोलता है वो हमको देना ही पड़ता है, बिकॉज हम वहां पे फंस गए जी जी, उससे आगे हम कहीं नहीं जा सकते, हम वहां माल पहुंचा के फंस चुके हैं, मुझे वापस भी आना है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके आगे कहां जाएंगे, तो कहां जाएंगे जी जी जी। हमारे घर अब जो किसान है वो अपने घर पे बेच रहा है, तो हमारे घर पे जब वो है तो वो हर चीज के लिए लड़ सकता है जी, चाहे खरीदार से जो उसको लग रहा है कि उसको पेमेंट सही नहीं मिल रही जी जी जी। तो ये सारी चीजें हम लोगों का आने वाले टाइम पे यही हमारा उद्देश्य है कि किसानों को काफी हद तक वैल्यू मिले उसकी सही, और उसका जो कष्ट है वो कम हो जाए। तो सर एक अंतिम सवाल आपसे मैं करना चाहूंगा, अंतिम तो नहीं होगा जी, व्हाट इज द यील्ड डिफरेंस बिटवीन जैविक एंड रासायनिक? सर यील्ड तो मैं ये बोलूं कि क्या डिफरेंस कितना आया है, मैं 1.5x to 2x, तो हमारा ऑलमोस्ट मतलब ये अभी इनिशियल हमारे वो है, एक क्विंटल की जगह पे 150-150 क्विंटल के लगभग इनिशियल नंबर्स है। अच्छा, इट कैन बी लिटिल वेरी तो हो ही सकते हैं, बट होपफुली जो हमको इनिशियली जो हमको इसके रिपोर्ट्स मिले
हैं वो काफी अच्छे मिल रहे हैं फिलहाल। जी 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 जी। तो जैसे कि आपका एक पेड़ का एक बाग मतलब एक बीघे में कितने पेड़ होते हैं, एक पेड़ में कितना वो हो जाता है, यील्ड कितनी हो जाती है? सर ये बहुत ज्यादा डिफेंड करता है कि आपने कौन से तरीके के पेड़ लगाए हैं। हाँ, जैसे हम लोग का मेन होता है रॉयल, जो हमारा किन्नौर, अपना रॉयल किन्नौर की बात कर रहा हूँ मैं, किन्नौर में बैठा हूँ तो सर रॉयल किन्नौर की बात कर रहा हूँ। रॉयल किन्नौर में एक बीघा में हम लोग अराउंड 35 से 50 पेड़ लगाते हैं जी। हाँ, तो नॉर्मली जैसे एक पेड़ से हम लोगों का, अगर आप पुराना पेड़ है जो बड़ा पेड़ है, हाँ, इसे आप कोई भी 3 से लेकर 8 पेटी के बीच में आपको मिल जाता था। अच्छा। हाँ, नॉर्मली। हाँ, अगर आप कुछ ज्यादा काम भी ना सर करें। सर केजी में बताइए, क्योंकि पेटी में बताना थोड़ा सा किसान को। केजी में आपको आप ये लगा के चलिए एक पेटी में अराउंड 25 केजी आप लगा के चलिए। जी जी। तो ऑन एवरेज वही 100 से 150 किलो के अराउंड मिलता था। अब इसका वही है कि अगर हम लोग जैविक, जब से हमने इसको जैविकली हमने यूज किया है और अपने तीनों ट्रीटमेंट किए हैं, तो अराउंड 200 सवा 200 तो अभी आप लगा के चलो इतना तो हम लोगों को इस बार तो मिला ही है। डेढ़ गुना का समथिंग अबाउट रिजल्ट आ गया। तो सर घाटा क्या हुआ? सर घाटा तो नहीं है, तभी तो हम लोग यूज कर रहे हैं, तभी तो फायदा है। घाटा नहीं है ना, तो ये संदेश दे रहे हैं किसान भाइयों को, सही में मायने में बायोफॉर्गेनिक हमारे लिए दी बेस्ट है। बिल्कुल सर, ऑर्गेनिक एनीथिंग व्हिच इज ऑर्गेनिक इज गुड फॉर नॉट जस्ट फॉर फार्मर्स, इज गुड फॉर पीपल हु आर कंज्यूमिंग इट आल्सो। जी 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 जी। ओवरऑल एक इकोसिस्टम को ही काफी हद तक ये हेल्प कर रहा है। सर ये दो सेब रखे हैं, दोनों का डिफरेंस सर बताइए क्या है? ये दोनों सेब हैं, ये दोनों का डिफरेंस बताइए। सर डिफरेंस एक्चुअली यही है, जैसे कि अभी ये आप ये जैसे ये आप देख रहे हो ये बिल्कुल नेचुरल है। हाँ, ना इसका पेड़ से तोड़ के, बिल्कुल पेड़ से तोड़ के लाए और ये सर वैक्स लगा हुआ है इसमें। हाँ, इसका नेचुरली जैसे होता है। हाँ, और ये हमने अभी जैसे मशीन के थ्रू हमने चलाया। हाँ, तो ये मशीन में इसको आप एक्चुअल कलर यही है। हाँ, ब्रशेस के ये डस्टेड है, ये बिल्कुल साफ हो गया है। बिल्कुल जी। थैंक यू। आशीष जी और अतुल सर, अब आगे का किसान भाइयों के लिए आप लोगों का क्या प्लान है ये जरूर बताएं, क्योंकि किसान भाई अगर इस चीज को जान लेते हैं तो ये काफी हद तक आसान हो जाएगा खेती करना। सर हमारे तो अतुल जी आपको काट रहा हूँ, बट मैं तो यही बोल रहा हूँ कि सर हमने फर्स्ट टाइम जब हमने यूज किया था, हमारा आइडिया यही था कि पहले हम खुद यूज करेंगे, और क्योंकि किन्नौर में काफी अभाव है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का। तो अब हमने जो अपना जो हमने खुद करके जो देखा है, तो अब हमारा मिशन तो ये कि जितना हो सके कोने कोने तक, किन्नौर के हर कोने तक इसको हम प्रोडक्ट्स को बचाएंगे अतुल जी के, बिकॉज उस तरह का फायदा हमको दिख रहा है। जी जी। और कल को जितने लोगों को अवेयरनेस होगी उतना ही आई थिंक आने वाले टाइम पे हमारा काम अतुल जी के थ्रू हमारा सबको ये बेनिफिट मिलेगा पूरे के साथ। जी जी जी। तो हमारा तो यही है कि अतुल जी के थ्रू अब हमको मिल गया अतुल जी, और हमको बायोफॉर्गेनिक्स कंपनी मिल गई है, तो जितना हो सके प्रमोट भी करेंगे और इसको आगे हम लोग किसानों हर हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश करने की कोशिश किया, मतलब एक तरह का पहुंचाई देंगे। जी जी। थैंक यू आशीष जी, बड़ा अच्छा लगा। हम सभी किसानों के लिए इस प्रकृति को बचाने का आपने भी संकल्प लिया, हमने भी लिया है। हम बहुत ही कम सर हमने भी लिया है। देसी खेती जुगाड़ तो इसका माध्यम है, जड़ है ये, तो हम तने हैं, फ्रूट हैं, अलग बात है, बट ये तो जड़ है, जड़ से ही सब कुछ चलता है। तो इसलिए देसी खेती जुगाड़ तो जड़ है इस प्राकृतिक खेती की। तो इसमें हम जो करने जा रहे हैं आशीष जी के माध्यम से, सहयोग से जेपी जी के माध्यम से, देसी खेती जुगाड़ के माध्यम से, हम किन्नौर में भी सारे बैक्टीरियाज, सारे न्यूट्रिशंस बहुत कम वजन के साथ यही आपको प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ से आपका जो गाय का गोबर है, चाहे भैंस का है, चाहे मुर्गी का है, चाहे किसी भी चीज़ का है, बायोवेस्ट जो भी है, उसमें जो आप खाद बनाते हैं अपने घर पे, जैसे भी बनाते हैं बिल्कुल जी, उसमें आप वो मिला के डाल लें, आपको यहीं की यहीं समाधान भी मिलेगा, बायो भी मिलेगा, नेचुरल भी मिलेगा, ऑर्गेनिक भी मिलेगा। हमारा जो संकल्प है प्रकृति को बचाने का, उसके लिए आपने जो पहल की थी देसी खेती जुगाड़ ने कि हम 2 रुपए अमृत देंगे, वो हम आपके यहाँ रखवा देंगे। बिल्कुल, यहाँ बनाते रहना, फ्री में किसानों को देते रहना 2 रुपए अमृत, हम आपको उसका कल्चर दे देंगे। जी जी। ठीक है जी। कल्चर को यहाँ जो किसान भाई करना चाहे कर सकते हैं, नहीं करना चाहे आपसे ले सकते हैं। बिल्कुल, हम आपको कल्चर फ्री में प्रोवाइड कराएंगे, हम कोई पैसा नहीं लेंगे। अतुल जी, ये बहुत 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 अच्छी आप लोगों ने पहल की है, और हम लोग काफी वो हैं कि किन्नौर में आप लोगों ने, है ना, आप लोग आए
और होपफुली मैं जिस तरह के रिजल्ट हमको मिल रहे हैं बायोऑर्गेनिक से, आई एम श्योर कि आने वाले टाइम पे मैक्सिमम किसान ऑर्गेनिक की तरफ और हमारी तरफ ही आएंगे। सर एक छोटा सा मेरा कहना चाहूंगा मैं किसानों से कि आशीष जी को मैं अपना एक तरीके से कह सकते हैं कि आइकॉन मानता हूं। नहीं नहीं उस बुरा नहीं मानिएगा, ये एक सच्चाई है क्योंकि आपने जो एक पहल शुरू की है और अगर हर किसान जो थोड़ा सा भी कैपेबल है, चाहे वो जो भी खेती कर रहा हो, पूरे भारत की बात करता हूं सर, अगर आपकी तरह वो दो कदम आगे बढ़े तो काफी किसानों का भला हो सकता है। ये सिर्फ ये नहीं है, और मैंने एक चीज की, अगर आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं, सोच अच्छी है, तो आप जैसे अतुल जी जैसे आप जैसे लोग ही मिलते जी, रहते, जी, मिलते रहते हैं। वो तो मैं अतुल सर को पहुंचा ही दूंगा वहां पे, बसरते ये है कि किसान आगे बढ़े, किसान आगे बढ़े हम उसके साथ खड़े हैं। हम लोग सर 10 साल से खर्चा कम करना सर, फायदा ज्यादा होना किसान का, यही मेरा मोटो है और मैं इसी को लेकर के आगे चल रहा हूं। हमारे इनफैक्ट 10 साल से हमारे भी जो एक अच्छे स्ट्रांग रिलेशनशिप बने हुए हैं लोगों के साथ, किसान के साथ जी, तो हम भी चाहेंगे कि हम इसी वजह से हैं कि चाहे जो भी साइंस या टेक्नोलॉजी जो अतुल जी जैसे लोग लेके आ रहे हैं, कल को किन्नौर में इसकी बहुत कमी है, लोगों को इतना पता नहीं है बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब हमारे थ्रू अतुल जी के थ्रू अगर लोगों को इन्फॉर्मेशन और प्रोडक्ट मिल जाए, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। किसान भाइयों आप दोनों महान भाव ने जो बताया है इसको आप लोग अपने अंदर समावेश करिए और काफी कुछ अच्छा करिए, क्योंकि भविष्य है आपका, आप संवारेंगे, हम नहीं, हम तो केवल कोशिश मात्र करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार, जय जवान जय किसान। थैंक यू।